हेलो दोस्तों, मैं आपको आज स्टेट ऑफ फ्लो के बारे में बताऊंगा कि व्हाट इज़ स्टेट ऑफ फ्लो एंड हाउ कैन वी अचीव द स्टेट ऑफ फ्लो। दोस्तों, अगर हम देखेंगे कि स्टेट ऑफ फ्लो मतलब क्या है, स्टेट ऑफ फ्लो एक ऐसी स्थिति है वहाँ पे हम जो भी एक्टिविटी करते हैं तो उसमें हम इतना खो जाते हैं, उसको इतना इंटरेस्टिंगली करते हैं कि हमें ना टाइम का पता होता है, ना ही हमें किसी चीज़ के बारे में हमें उस अवेयर होती है कि अपने सराउंडिंग में क्या चल रहा है। मतलब उसमें हम उतने खो जाते हैं उस पर्टिकुलर एक्टिविटी में, उस स्टेट को हम बोलते हैं स्टेट ऑफ फ्लो। तो ये स्टेट ऑफ फ्लो कौन कौन अचीव कर सकता है और उसके एडवांटेजेस क्या है। अगर हम देखेंगे जो भी जो साइंटिस्ट है या फिर कोई भी स्पोर्ट पर्सन है, मतलब जो भी वो एक्टिविटी करते हैं तो उस वक्त उनके माइंड में सिर्फ वही एक्टिविटी के बारे में चालू होता है, वो किसी और दूसरी चीज़ के बारे में वो सोचती नहीं है। और उसके वजह से क्या होता है, दे कॉन्सनट्रेट बेटरली ऑन दोज एक्टिविटी एंड दे डू इट वेरी प्रॉपरली एंड विथ लॉट ऑफ स्किल। अभी मैं आपको तीन पॉइंट्स बताऊंगा उसमें आपको कि स्टेट ऑफ फ्लो हम कैसे अचीव कर सकते हैं। अभी फर्स्ट है कि यू हैव टू चूज अ चैलेंजिंग टास्क। चैलेंजिंग टास्क मतलब क्या, कि जो ऐसा कोई टास्क चुनो कि जिसमें ना आपको ज़्यादा बोर्डम महसूस हो और ना कि आपको उसमें डिफ़िकल्टी महसूस हो। क्योंकि क्या होगा, अगर आप बहुत सिंपल टास्क चूज़ करोगे तो आपको मतलब बोर्डम या फिर हम उसको बोलते हैं कि आपको एक उस काम में मज़ा नहीं आएगा, इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा सिंपल टास्क आप चूज़ करोगे तो। और ज़्यादा चैलेंजिंग टास्क या मतलब ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क करोगे तो उसमें आपका मतलब यू विल ईजिली लूज़ द इंटरेस्ट इन कम्प्लीटिंग दैट एक्टिविटी। तो इसके लिए हमें ऐसा टास्क या ऐसी एक्टिविटी सिलेक्ट करनी चाहिए कि उसमें हमें करने में मज़ा भी आना चाहिए और उस हमारी एबिलिटी भी होनी चाहिए उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए। उसको हम बोलते हैं कि स्टेट ऑफ फ्लो हम अचीव कर सकते हैं। सेकंड, फोकस ऑन वन थिंग। अभी बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि मल्टीटास्किंग करने की कोशिश करते हैं, एक ही समय में वो दो तीन चीज़ों पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो जब हम मल्टीटास्किंग करते हैं तो स्टेट ऑफ फ्लो अचीव नहीं कर सकते, उसके वजह से हमारी प्रोडक्टिविटी भी कम हो जाती है। अगर आपको स्टेट ऑफ फ्लो अचीव करना है तो आपको एक ही चीज़ पे या एक ही एक्टिविटी पे आपको फोकस करना होगा। एंड थर्ड, फॉर अचीविंग द स्टेट ऑफ फ्लो यू हैव द टास्क शुड बी इंटरेस्टिंग एंड दैट इट शुड बी रिलेटेड टू यूर पैशन। अभी कौन से टास्क है हम उसको एंजॉय कर सकते हैं। अभी एग्जाम मैंने आपको एग्जांपल दिया कि कोई साइंटिस्ट है, वो किसी के ऊपर रिसर्च कर रहा है तो वो एक्टिविटी में इतना खो जाता है कि उसको आजू बाजू में क्या चल रहा है उसके बारे में पता ही नहीं होता, उस टाइम कितना हो रहा है, उसको भूख लगी है क्या नहीं लगी है वो भी उसको पता नहीं चलता। उसको मतलब वो इतना खो जाता है उस एक्टिविटी में कि उसको आजू बाजू में क्या चालू है वो पता नहीं होता। ये तभी पॉसिबल है दोस्तों जब आपको काम जो है या एक्टिविटी जो कर रहे हो वो बहुत इंटरेस्टिंग हो। अभी जो स्पोर्ट पर्सन है वो जब खेलना शुरू करते तो दे फॉरगेट एवरीथिंग। कोई साइंटिस्ट है कुछ रिसर्च प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, दे फॉरगेट एवरीथिंग। कोई प्रोजेक्ट मैनेजर है तो वो किसी प्रोजेक्ट में इतना इन्वॉल्व हो जाता है कि वो मतलब बाकी एक्टिविटीज़ पे उसका फोकस नहीं रहता, मतलब हिज माइंड डजंट गेट डिस्ट्रैक्टेड बाय डिफरेंट एक्टिविटीज़। देन एंड देन इट इज़ पॉसिबल टू अचीव द स्टेट ऑफ फ्लो। सो फ्रेंड्स, इफ़ यू वॉन्ट टू अचीव द स्टेट ऑफ फ्लो, जस्ट रिमेंबर दिस 3 things and definitely you will achieve the state of flow. Thank you for watching.